हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर लॉग 7 स्क्वायर एट द बेस 25। यहां पर 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लॉग की एक प्रॉपर्टी देख लेंगे। अगर हमें गिवन हो लॉग एम टू द पावर एन एट बेस ए, ठीक है, यहां पर बेस कुछ भी हो सकता है, हमने ए ले लिया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारी पावर है, जैसे कि यहां पर n है, तो n log में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं log n log m एट बेस a। तो आइए इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है 5 टू द पावर log 7 स्क्वायर एट द बेस 25, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5, और ये जो पावर में 2 है ये log में आगे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 7 बेस 25, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 और log 7 25 एट द बेस, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, 5 टू द पावर 2 टू द होल पावर log 7 बेस 25, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 टू द पावर log 7 और एट बेस 25। अब यहां पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमें गिवन हो a टू द पावर log x एट बेस a, तो हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं, x। यहां पर ये देखिएगा कि ये जो ये बेस है और ये जो log का बेस है, अगर ये सिमिलर होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहां पर यूज करें तो देखिए यहां पर ये इसका बेस कितना है 25 और log का बेस भी कितना है 25, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहां अगर हम यूज करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो 7 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।